करवा रहा होगा, लोगों से काम करवा रहा होगा। तो क्योंकि आप न्यूबीज हैं अगर अभी, तो आपका मकसद है कि अभी खुद काम करना, और फिर ये होना चाहिए कि कुछ मंथ बाद आपने टीम डेवलप करनी है और उनसे काम करवाना है, और खुद किस रोल में आ जाना है, मैनेजमेंट के रोल में। दिस शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, कि खुद काम किया फिर उसके बाद मैनेजमेंट के रोल में। अब मैनेजर्स के रोल्स में आने के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप ये होता है कि एक मैनेजर, एक डिपार्टमेंट को जो मैनेज आप कर रहे थे पहले, आप मैनेज कर रहे थे अकाउंट्स को मैनेज कर रहे थे, आप मैनेज कर रहे थे न्यू बिजनेस को लाने में मैनेज कर रहे थे, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लाने में मैनेज कर रहे थे, और आप ओवरऑल ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। अब इसको मजीद कैसे स्केल करना है कि हर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर भी लगा लें। दिस शुड बी योर थर्ड स्टेप, कि पहले खुद काम किया, दूसरे बार जो खुद कर रहे थे उसको मैनेजर की सीट पर बिठाया, और खुद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को डिवेलप किया, और फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के हेड लगाना शुरू कर दिए, जो कि थर्ड स्टेप। और फिर उसके बाद आप एक रोल में आए जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, सीईओ है, और वो सीईओ का रोल ये होता है कि कैसे मजीद चीज़ों को ग्रो किया जा सके। उसका ये काम नहीं होता कि वो जाके इंडिविजुअल्स को कह रहा है कि आप की इस वक्त जो जो ये काम कर रहे हैं उसको ऐसे ठीक करें, आपका काम है कि आप मैनेजर्स को अब लीड करें। दिस शुड बी योर थर्ड फोर्थ स्टेप। फिर उसी कंपनी के अंदर अंदर अब आपने अपने एसेट्स बनाना, सारी ज़िंदगी तो नहीं लोगों को वो सर्विसेज ही देते रहने, सारी ज़िंदगी तो नहीं आप लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्लाइंट हंटिंग एंड ऑल दिस। तो हमेशा गोल ये हो कि एट द एंड चौथे पाँचवें स्टेप में मेरी अपनी प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट कैन बी डिजिटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैन बी योर एसेट एज वेल, कुछ भी हो सकता है, इट डज नॉट मीन। फिर ही कंपनी सस्टेन कर पाती हैं, कंपनीज ऐसे ही ग्रो कर पाती हैं, ना कि वो सारी ज़िंदगी इसी जगह पर ही लगे रहते हैं। ये बड़ा क्लियर है, पहला स्टेप क्या है जी, जो आप लोग सीख रहे हैं। दूसरा स्टेप कि आप सीखने के बाद मैनेजर बन रहे हैं, और फिर जो न्यू बीज आते जा रहे हैं उनको साथ अटैच करके, क्योंकि आप खुद ग्राउंड से काम करके आए। तीसरा स्टेप है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बनाकर उनको मैनेजर्स के रोल देना, और चौथा स्टेप है कि साथ साथ फिर अपनी एसेट प्रोडक्ट्स भी डेवलप करना, ताकि आपकी कंपनी की वर्थ और वैल्यू बने। दिस शुड बी योर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हाई लेवल गोल, अगर आप इस फील्ड में सस्टेन करना चाहते हैं फॉर सेवन ईयर्स। और ये मकसद, ये इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, इसको नहीं कहते जो आप अभी कर रहे हैं, आप अभी फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर जो है वो कुछ और होता है, और एंटरप्रेन्योर कुछ और होता है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। एंटरप्रेन्योर ये होता है कि जो कंपनीज डेवलप करता है, बिजनेस डेवलप करता है, लोगों को अटैच करता है सोसाइटी में। अभी आप वो नहीं बने, अभी आप फ्रीलांसर की जर्नी से आगे जा रहे हैं। एंड देन वंस यू ऑन का समथिंग, वंस लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड, देन यू आर एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, अब इश्यूज क्या आ रहे हैं जो आप समझते हैं कि मैं अभी भी स्टक हूँ, या आई एम नॉट एट द राइट प्लेस, या जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए जी। कौन कहना चाहता है, आप बताइए। यू सीम वेरी हैप्पी। सर मैं बहुत क्लियर माइंड सेट के साथ आई थी, मैंने पहले कोच में इनरोल किया दिसंबर में, फिर जैन में मैंने वो ज्वाइन कर दिया। जब यहाँ पे आई तो मुझे पीएल के यहाँ पे बहुत कम लोग मिले, जितने भी मिले होलसेल के मिले, ऑनलाइन आर्ट क्राफ्ट के मिले। इवन कि मुझे यहाँ ये भी कहा गया कि पीएल छोड़ दो, होलसेल की तरफ आ जाओ, क्योंकि उसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि सर साकिब हमेशा क्लास में कहते हैं, किसी को देख के कुछ मत लर्न करो, कि वो सक्सेसफुल हो गया तो आप भी हो जाओगे। हमेशा अपनी एक लाइन चूज़ करो और उसी पे रहो। देन उसके एक महीने बाद ही मनीषा इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे, थैंक्स टू हर। इनके आने के बाद मैंने तो इनका बहुत दिमाग खाया, किसी ने कुछ पूछा ना पूछा मैंने इनसे बहुत कुछ पूछा, पर ये बहुत हम्बल रही। लेकिन उसके बाद और आज मैं अपने में बहुत डिफरेंस देखती हूँ। मैं प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ जा रही हूँ, और अब जो ये हमारी वर्कशॉप शुरू हुई है, जितनी डिटेल में ये एक्सप्लेन कर रही है, तो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए। तो ओवरऑल यू आर प्रोग्रेसिंग? यस, मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ साकिब के साथ। तो आप क्या करना चाहती हैं अगले 5 सालों में, क्या करना चाहती हैं? मैं टीम बनाना चाहती हूँ, उसके बाद क्योंकि अपनी प्राइवेट लेबल में लॉन्च करना चाहती हूँ। ठीक है, और कौन क्लियर नहीं है?
राइट, आपसे मेरे भी बात हुई, यहाँ पर आप बैठे हैं चुप के, इसलिए जो छुपता है मैं हमेशा उसी से क्या कर कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मैं होलसेल कर रहा हूँ अभी, अपने लिए कर रहा हूँ और अभी थोड़ी क्लाइंट मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, और अभी किसी के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, अपने लिए कर, अभी अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा थोड़ी जो मैं कॉन्सेप्ट जो मेरा क्लियर नहीं होता कि मैं सोचता हूँ कि इन होलसेल क्या हम एज एजेंसी ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऑन दी सिंगल मॉडल, और हमें इन दी एंड पीएल को ऐड करना होगा। मतलब देखें, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होलसेल वी डू नॉट ओन एनीथिंग, एट द एंड स्टिल सेलिंग अदर्स, तो कुछ अपना एसेट जैसा, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा स्पीच की कि आप कामयाब और सस्टेन वही रहता है जिसका अपना एसेट हो, जो ओन करे कोई चीज, तो ओन करने के लिए डिजिटल एसेट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और कैन बी एनीथिंग, तो दैट्स फाइन। और एनीथिंग यू थिंक वी नीड टू इंप्रूव हियर? मुझे अभी लगता ही हुआ है। अच्छा, सब ठीक लग रहा है? टिल नाउ इट्स ग्रेट एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। बाकी और दो महीने से ज्यादा कौन था? कौन है? मैं भी दो महीने। आप ही हैं और कौन है? आई वाज स्पोक अबाउट इट। ठीक है, सो ये कि हमेशा जब भी कोई इशू आए तो ये आपको पता होना चाहिए कि इश्यूज को रिपोर्ट कहाँ पे कर रहे हैं। अभी आपको कोई इशू आ रहा है किसी को, कैसे सारे खुश हो सकते हैं? आई डोंट बिलीव, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या कोई डर है, ऐसा होता नहीं, कहीं पर भी नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि सब खुश हैं तो सारे खुश हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना जी। लेकिन सर साकिब के अरेंज करने के बाद परीक्षा को अरेंज किया और सर मदरसे को अरेंज किया, उसके बाद बहुत अच्छा रहा है। ये लोग वन बाय वन एक एक को देखते हैं, जाके पूछते हैं क्या कर रहे हो, हर चीज़ की रिपोर्ट लेते हैं, तो ये जो हुआ है ये बहुत बेस्ट है। और उसके बाद जो इंटर्न्स हैं या जो भी वार्ड मेंबर्स हैं, तो सबकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह सॉल्व हो रही है। इसमें ये हमने क्यों किया, ये भी ज़हन में रखिए, जो कि आप लोगों को भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। हम बिलीव करते हैं कि इंस्टेड ऑफ वी गो एंड पिच आउट देयर कि एनेबलर्स इज बेस्ट, एनेबलर्स हैज डन बेस्ट एंड यू शुड चूज एनेबलर्स, वी रादर फोकस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पीपल जो जहाँ पर आए हैं। और जो एक बंदा होता है जो अपने एक्सपीरियंस से गुजरता है, वो हमेशा आगे 11 लोगों को ज़रूर बताता है, 10 के मिनिमम, कि उसका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। तो इसीलिए आपने ये लाइफ में अपनाना है कि जब भी किसी को आप सर्विसेज दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, वो आपको एक दर्जन सेब दे के ऑर्डर देता है, तो आपने 12 नहीं 15 देने, और फिर साथ कोई और भी अगर ये चीज़ एप्पल्स बेच रहा है, तो आप हमेशा किससे लेंगी? जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहा है, बेशक कॉस्ट वही है, तो वो आपका एक क्लाइंट और कस्टमर बन गया, और वो आगे जाकर भी लोगों को कहेगा इस वाले से लेना, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा और अच्छे देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे फोकस रहें, अगर आपने अपना ब्रांड अपने आप को बनाना है या अपनी कंपनी को ब्रांड बनाना है और वैल्यू क्रिएट करनी है। अदरवाइज अक्सरियत जो है वो हमेशा नए लोगों के पीछे ही है, तो इसलिए हमेशा एग्जिस्टिंग को ज़्यादा वैल्यू और फोकस दें। ठीक है जी, और सही है सारा ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग के बारे में पूछ लूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग इशू नज़र आए, वो भी ठीक है सब ठीक। कोई यहाँ पर कोई किसी को तंग तो नहीं करता?